असलम गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप बिल्कुल ठीक होंगे खुश होंगे तो यहाँ पर हो रही थी मॉर्निंग और मैं कर रही थी नाश्ता ये बाहर का पराठा है और मेरा भाई लाया था ना तो उसने मैंने रख दिया था तो यहाँ पर बस मैं अपना नाश्ता करूँगी नाश्ता करने के बाद मुझे बनानी थी बिरयानी तो छा नया बिरयानी की तरफ चलते हैं यहाँ पर मैंने कुछ मसाले ले लिए थे जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे रेसिपी मैं आपको अभी इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं आगे जो गड़बड़ हुई थी ना और मैं आपको अभी आगे बताती हूँ तो यहाँ पर ना बस मैं ये मसाले जितने भी हैं ना पैन में ये मैं इसको भून रही थी तो मैंने इसको भून के रख दिया था एक साइड पे उसके साथ मैंने यखनी की जो चीज़ें होती हैं सारी वो निकाल ली थी साथ में इसके लहसन भी ऐड होगा यखनी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि यखनी अगर अच्छी बनी हुई हो ना तो बिरयानी काफ़ी मज़े की बनती है यहाँ पर यखनी में प्याज थी ठीक है लाल मिर्चें थी नमक था सौंफ थी धनिया था और बादयान के फूल थे और दालचीनी थी और इसके अंदर हम लहसुन भी डालेंगे तेज़ात के पत्ते भी डालेंगे और जो चीज़ के यहाँ पर अभी नहीं रखी है बता दूँ थोड़ी सी और काले मिर्ची भी तो ये सब यखनी में आप डालेंगे ना और लहसन तो ज़रूर डालिएगा पूरा जो लहसन होता है ना वो वो आप इसके अंदर डाल दिएगा उसको वॉश करके तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है और यखनी आप बना लेगा अच्छा हुआ ये थे ये था कि ना यहाँ पर मैंने मसाला सारा ये भून लिया था भूनने के बाद जो है ना मुझे इस मसाले को पीसना था और हम लोग की लाइट आ ही नहीं रही थी और कुछ जनरेटर में भी मसला हो रहा था जिसकी वजह से वो हुआ ही नहीं ना तो और ना इतने देर हो रही थी क्योंकि फ़्राइडे का दिन होता है ना तो काफ़ी देर हो जाती है तो ना मुझे मतलब ना बहुत वो हो रहा था कि इतना सारा काम हुआ हुआ है पड़ा हुआ है और ये कि बिरयानी की वजह से मैं वेट कर रही थी एक दो और सामान का मैं वेट कर रही थी तो मैंने क्या करा फिर जल्दी की वजह से मैंने ये सारा मसाला जो है ना वो बग़ैर पीस के ऐसे ही डाल दिया अब जब मैंने डाल दिया तो मुझे बाद में हुआ कि कहीं बुरा ना हो जाए कुछ लेकिन जब बिरयानी बन गई तो बहुत अच्छी है बहुत मज़े की बनी थी और किसी को फील यून ना अभी तक किसी को पता है ये सौंप वगैरह मैंने ऐसी ही डाल दी थी तो बस ये हुआ जिसकी वजह से मैंने रेसिपी में शेयर कर रही थी लेकिन बीच में फिर मैंने इस वजह से छोड़ दी यहाँ पर हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवाया था बर्गर स्ट्रीट से तो उसका मैं आपको रिव्यू देना चाह रही थी पिज़्ज़ा जो था वो हमने फ्लेवर क्रीमी फ्लेवर मंगवाया था हमने तो आप लोग देख सकते हैं कि क्रीम इसके अंदर कितनी ज़्यादा लगी हुई है बिल्कुल ना मतलब देख रहे हैं आप लोग वाइट वाइट सा नज़र आ रहा है सिर्फ ये क्रीम है और इतनी सी क्रीम का फिर कोई टेस्ट आ ही नहीं रहा था और ना ही ये बहुत सॉसी लग रहा था ना ही इसके अंदर कोई टिक्का टाइप फ्लेवर आ रहा था मतलब अगर क्रीमी फ्लेवर था तो क्रीमी लगना चाहिए ना तो क्रीमी भी नहीं लग रहा था चलें क्रीमी अगर नहीं दिया उन्होंने तो वैसा लगना चाहिए था ना जो हमारे फजीता वगैरह होते हैं टिक्का पिज़्ज़ा सॉस वाले जो होते हैं ना वैसा फ़्लेवर लग रहा था वैसे सही था खाने में लेकिन कोई एक स्पेसिफ़िक फ्लेवर इन्हेंस नहीं हो रहा था तो ये सिक्स हंड्रेड का लार्ज पिज़्ज़ा था बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम पे इसका फुल रिव्यू देख सकते हैं वहाँ पर मैंने इसका रिव्यू दिया हुआ है उसके बाद हो गई थी नाइट और मैं अपनी स्किन केयर कर रही थी क्योंकि स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और जैसे हम बाकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं ऐसी स्किन भी हमारा जो है वो एक मेन रोल प्ले करता है ठीक है ना तो आप लोग भी अपनी स्किन का ज़रूर ख्याल रखा करें यहाँ पर मैं क्लिनज़र यूज़ कर रही थी आप लोग जो आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर दिखाने का मकसद सिर्फ इतना होता है ताकि आप जो है वो चीज़ों से मतलब आपको नॉलेज हो कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से यू काम कर रहा है तो बाकी आपके स्किन पे जो सूट कर रहे हैं आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैं क्लिनजर क्लेंजर तो नहीं ये क्लिनजिंग मिल्क है एम जी मराकी का यूज़ कर रही थी साथ में क्रिस्टीन का या मार्क्स है अच्छा मैंने इसके अंदर एक्सपोलेटर यूज़ नहीं करा क्योंकि मेरा भी मतलब दिल नहीं हो रहा था तो मैंने नहीं करा था आप चाहें तो बीच में एक्सपोलेट भी कर सकते हैं उसके बाद माक्स लगा सकते हैं मैंने बस क्लिनजर करके और फिर माक्स लगा लिया था तो बस यहाँ पर मैं पहले क्लिनजर करूँगी ठीक है ना ये क्लिनजिंग मिल्क है और ये काफ़ी ना क्लिनजर भी ले सकते हैं आप लोग और मिल्क भी ले सकते हैं क्लिनजिंग मिल्क से ही होता है आप डेली बेसिस पे उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं साथ में जो है ना मेरे पास ये आई रोलर है जो कि बाया एक्वा का मेरे पास है इसका रिव्यू मैं आपको अलग से दूंगी क्योंकि अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ जब मुझे इसके वाजे रिज़ल्ट पता लग जाएंगे तो आपको मैं सारी चीज़ों का रिव्यू दे दूँगी ठीक है आप लोग भी अपनी स्किन का ज़रूर ख्याल रखा करें यहाँ पर बस मैंने अपनी स्किन केयर कर ली थी लास्ट में मैंने फेस पर एलोवेरा जेल लगा लिया था उसके बाद बस मैं पानी पीऊँगी पानी आपकी बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है तो रात में जो है ना वो आप स्किन केयर कर लिया करें उससे बहुत सुकून भी मिलता है तो आई होप आप लोग मेरी वीडियो पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दुआ में मुझे याद रखिएगा और अपनी भी स्किन केयर आप लोग करते रहिएगा अल्लाह हाफिज